online international FDP faculty development program that is started from today, 13th of September to 17th of September 2020. मैं कर रहा हूँ सर को अरविंद आसिया जी भी जुड़ चुके हैं. अरविंद आसिया जी विद्यावान प्रिंसिपल. ओके वेलकम वेलकम जी. अरविंद जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें. अरविंद जी. यस सर. जी जी वेलकम वेलकम. स्वागत है आपका. थैंक यू वेरी मच सर. जी डॉक्टर मनोज झाजड़िया जी आज के प्रोग्राम के होस्ट हैं. जी सर. डॉक्टर अरविंद आशिया जी विद्यावान बीएड कॉलेज जो राजस्थान की ओल्डेस्ट बीएड कॉलेज है, सबसे पहली बीएड कॉलेज है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं और कभी हमने साथ में पढ़ाई भी करी है. हम दोनों बैचमेट भी हैं. स्वागत है अरविंद जी आपका. डॉक्टर आगे जी. थैंक यू डॉक्टर. स्वागत है सभी महानुभावों का. आज का ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एज यू ऑल नो ऑर्गेनाइज्ड बाय राजस्थान एंड बाय कनोले चैरिटी सोसाइटी एंड सब्जेक्ट ऑफ द एडीपी एजुकेशन पॉलिसी 2020 for education in India. And this program is organized in association with the Association of Community Radio Station as CRS globally. And Sabhi ka shukriya karta hu is हेलो. अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. हमारे मुख्य 17 डेट के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिंसिपल भारतीय टीटी कॉलेज के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नमस्कार जी. अनिल सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है. क्या अनिल सर आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो. आज के जो एमटीपी प्रोग्राम के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर विनोद सनवाल जी हमारे बीच ज्वाइन हो चुके हैं. बहुत बहुत आभार धन्यवाद. नमस्कार. हेलो. हाँ जी अब आ रही है सर. एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हुआ मैं आज के इस एफडीपी कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर एसपी सिंह रिटायर्ड प्रिंसिपल RENCRT अजमेर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. आपके साथ हमारे अन्य मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर यतेंद्र पाल सिंह प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अहमदाबाद. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर. साथ ही स्वागत करूंगा आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद सनवाल जी का. बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद आप सभी ने हमें समय दिया. आज इस स्पेशल कार्यक्रम में जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है कानोरिया कॉलेज मुकुंदगढ़ के द्वारा आपकी एक बड़ी ही डायनामिक पर्सनालिटी डॉक्टर मनोज झाजड़िया प्रिंसिपल हैं कानोरिया कॉलेज में. कानोरिया कॉलेज मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा. कानोरिया कॉलेज का मुकुंदगढ़ के शहर के स्थित ये कॉलेज
मुकुंद राजस्थान और समूचे भारत में जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। इस कॉलेज का संचालन किया जाता है। आप सबको बताते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि कानोरिया परिवार जो यहाँ के की धरती संतों पैगंबरों के साहूकारों की धरती रही है। यहाँ पर अनेक सेठ साहूकारों के परिवार रहे, इनमें से एक प्रमुख परिवार हमारा कानोरिया परिवार रहा है, जो कानोरिया चैरिटेबल संस्था के माध्यम से अनगिनत एजुकेशन इंस्टीट्यूट का संचालन करती है। और मुकुंदगढ़ आपका मूल निवास स्थान भी है। यहाँ पर आपने, मैं बताना चाहूंगा, ये बड़े ही गर्व की अनुभूति पूरे क्षेत्र के लिए कि आपने शिक्षा प्रसार और प्रचार करने का कार्य 1914 में शुरू कर दिया था, जबकि राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ष माना जाता था। हेलो, आवाज शायद नहीं आ रही सर उनकी। रवि भाई, ये डिस्टर्ब हुआ सर बीच में। अनिल जी साहब, एक छोटा सा, जी अनिल जी साहब, एक छोटा सा वैसे व्यवस्था में आज परिवर्तन हुआ। प्रोफेसर एसबी सिंह साहब का अचानक कुछ स्वास्थ्य संबंधी होने के कारण से शायद अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, और हमने तत्काल फिर उनका स्थान कवर करने के लिए उन्हीं के विद्यार्थी हम और आशिया जी और यतिंद्र जी हमने रिक्वेस्ट करी, और आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर अरविंद आशिया जी और स्पेशल गेस्ट हमारे भाई डॉक्टर यतिंद्र जी है। जी ओके सर, ओके। अनिल जी, आपकी आवाज फिर नहीं आ पा रही है। टेक्निक प्रॉब्लम है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कानोडिया कॉलेज प्राचार्य से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। माँ भारती को प्रणाम। कानोडिया बीएड कॉलेज की ओर से तथा कानोडिया चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। संस्था के चेयरमैन बाबू श्री के कानोडिया द्वारा संचालित संस्था 1914 में एक ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाई थी। 1924 में यह संस्था एक मिडिल स्कूल का रूप लिया था और 1944 में एक हाई स्कूल के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। सन 1959 में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई थी और 2007-08 में बीएड कॉलेज यहाँ स्थापित की गई है। ये संस्था एक चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा संचालित है, जो ट्रस्ट इसको संचालित करता है। जो चेयरमैन बाबू श्री के कानोडिया जी हैं, उन्होंने जो शिक्षा की अलख जगाई है उसके प्रति जो कार्य है उनके प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी जो ट्रस्ट है या सोसाइटी है, उनके जो सेक्रेटरी हैं श्रीमान बीके नवलखा जी, जो समय समय पर आके इसको उचित दिशा निर्देशित करते रहते हैं। सोसाइटी के एलएमपी, जो लोकल सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं टी ढांचोलिया जी, कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर बी डी शर्मा, और जितने भी हमारे जो सोसाइटी के सदस्य हैं उन सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारा जो मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर एस बी सिंह जी, जो किसी उनका जो मान वो स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं है, तो उनकी जगह है हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे आज के, वो है श्री डॉक्टर अरविंद सिंह जी,
जिनका जो है विस्तृत परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर डीपी सिंह जी को ही आमंत्रित करूंगी कुछ देर बाद में, और जो स्पेशल गेस्ट है वो डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी हैं। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आज की जो है एफडीपी के मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर विनोद सनवाल जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस पूरे एफडीपी प्रोग्राम के जो मुख्य वक्ता है वो हमसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर किशोर कुमार कीर्तेश, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी पांडे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर डीपी सिंह जी, डॉक्टर किशोर कुमार जी, कीर्तेश जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर डीपी सिंह जी से मैं इनके स्वागत के लिए दो शब्द बोलने से पहले एक बार फिर से कनोडिया चैरिटेबल सोसाइटी और कनोडिया बीएड कॉलेज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारे जो चैरिटेबल सोसाइटी के जो संस्थापक हैं बाबू श्री के कनोडिया जी, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि वो समय समय पर हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनके द्वारा जो शिक्षा में एक अलग जगाई गई है उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर डीपी सिंह जी, जो रेडियो स्टेशन, क्योंकि सभी अपन जानते हैं आज के दिन जो टेक्नोलॉजी है उनके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और ये चरितार्थ भी हो गई है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सभी अपने अपने घरों में आइसोलेट हो रखे हैं, और एक टेक्नोलॉजी ऐसा माध्यम है जो हम अपन सबको यहाँ आज इकट्ठा किए हुए हैं। तो डॉक्टर डीपी सिंह जी से मैं एक बार निवेदन करती हूँ, जो हमारे कोलैबोरेशन में है इस संस्था के साथ, इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़े स्रोता है, और यहाँ इनका जो ये रूरल एरिया है यहाँ इन्होंने रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। डॉक्टर डीपी सिंह जी जो हमारे 17 तारीख के मुख्य वक्ता भी रहेंगे, वो इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जो चीफ गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट है और मुख्य वक्ता है, जो इनके गुरु भी हैं, सहपाठी भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, इनके जो इनके बारे में अभिनंदन के लिए दो शब्द कहेंगे। वेलकम सर, धन्यवाद सर जी। नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस नई दिल्ली और कनोडिया बीएड कॉलेज की ओर से। फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पूरे हिंदुस्तान के 289 ऑपरेटिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे रेडियो स्टेशन के लिए कार्य करता है, और समय समय पर सरकार और रेडियो स्टेशन के मध्य के कनेक्टिंग चेन के रूप में भी कार्य करता है। इस पेंडेमिक टाइम में भी लगभग 75 से ऊपर हमने वेबिनार्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर करी हैं, और अभी एक हिंदी पखवाड़ा जिसकी एक वर्चुअल वेबिनार साथ में दूसरे कंप्यूटर पर भी चल रही है, जिसपे आज अंतर्राष्ट्रीय भजन कार्यक्रम रखा हुआ है वो भी चल रही है। मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ मेरे भाई डॉक्टर अरविंद आशिया जी का। अरविंद आशिया जी और मैं आज से तकरीबन कोई 30-32 साल पहले जब हम पढ़ाई कर रहे थे उन दिनों से एक दूसरे से परिचित हैं, और हमने एक ही साथ हॉस्टल में रह के बहुत सारी अच्छी सी यादें जो थे अरविंद जी, तो वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो उन दिनों में हमने साथ साथ बिताए थे, वो दिन वो बड़े खास थे। आज राजस्थान की सबसे पुरानी और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था विद्या भवन के आप प्रिंसिपल पद को सुशोभित कर रहे हैं। अरविंद आशिया जी का परिचय यहीं तक सीमित नहीं है, और आपने साहित्य के क्षेत्र में भी और राजस्थानी साहित्य का जो विजयदान जी के बाद में अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो अरविंद जी का लिया जा सकता है। बहुत सारी रचनाएं आपने राजस्थानी साहित्य में लिखी हैं, और आप राष्ट्रीय जो हमारी अकादमी साहित्य अकादमी उसके भी बहुत समय तक आप मेंबर रहे हैं, और समय समय पर अपनी बहुत क्रिएटिव थॉट्स और उनसे एजुकेशन को बहुत कुछ देते रहे हैं। स्वागत है अरविंद आशिया जी आपका आज की इस वेबिनार में, और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपने जो हमारे निवेदन को स्वीकार करा, आपने जो चीफ गेस्ट प्रोफेसर एसबी सिंह साहब का जो स्थान भरपाई करी उसके लिए आपका आभार। और दूसरे भाई जो हमारे डॉक्टर यतेंद्र जी जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज अहमदाबाद में, और यतेंद्र जी से हमारा काफी 7-8 साल से लगाव है,
और एक इंटरनेशनल जर्नल में हमारे साथ में एडिटर है यतिंदर जी, वहाँ गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट के कॉलेज है और ट्राइबल और रिहेबिलिटेशन के फील्ड में आपका बहुत बड़ा योगदान है, डिसेबल पर्संस के लिए आपने बहुत बड़ा काम करा है जिसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारी रिसर्चेज आपके मार्गदर्शन में हुई है। आपका स्वागत है भाई यतिंदर जी, नमस्कार। भी हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस निवेदन को स्वीकार करा और आज के इस आयोजन में आप स्पेशल गेस्ट बने। इस आयोजन में मेरे दो भाई और साथ में जुड़े हैं, डॉक्टर विनोद सनवाल जी और डॉक्टर किशोर जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विनोद सनवाल जी का भी रिहेबिलिटेशन में ही बहुत बड़ा काम है और RCI से भी आप जुड़े रहे हैं और अभी गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में आप HOD हैं, प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को आप देख रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल आपने सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेज वेबिनार्स की हैं और आप फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुके हैं। और डॉक्टर किशोर कुमार जी हमारी मायावती कॉलेज में आप HOD हैं और आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं। किशोर जी भी बहुत क्रिएटिव और बहुत ही शिक्षा के प्रति बड़े समर्पित व्यक्ति हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर मनोज जी झाझड़िया कार्यक्रम को आगे बढ़े प्लीज। आप अपने माइक को अनम्यूट करें मनोज जी, आप पे को होस्ट हैं। हाँ जी अनिल सर, अनिल जी आप भी को होस्ट हैं, अपने माइक को खुद आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करिएगा। कौन से चीफ गेस्ट को बोलने के लिए? जी सर आज के जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अरविंद सिंह जी, जिनका जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका जितना परिचय दिया जाए उतना ही कम है। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ क्योंकि जो टाइम है अपना बहुत शॉर्ट टाइम है, इसलिए मैं सर को ही आमंत्रित करती हूँ कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने जो विचार हैं, अपना जो ज्ञान है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो अनुभव करेंगे और हमें कुछ जो है आगे के जो हमारी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिस पर आज हम जो भविष्य की रूपरेखा पे आप चर्चा करने जा रहे हैं उस पर दो विचार व्यक्त करेंगे अपने। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आज के जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अरविंद सिंह जी को। जी थैंक यू। मैं ऑडिबल सुनाई दे रहा हूँ मैं? हेलो जी बिल्कुल आप सुनाई दे रहे हैं जी, आपका वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है और शुक्रिया, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंकफुल टू कानोरिया चैरिटेबल ट्रस्ट एंड फेडरेशन कम्युनिटी रेडियो फेडरेशन न्यू दिल्ली एंड प्रोफेसर DB सिंह दैट दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद यू एंड I have to have face to you all people who belongs to education. When I got phone from Professor DP Singh that you have to be there in this webinar, he gave me three options. A, you have to be there. B, you have to be there. C, you have to be there. So naturally you can think that I have no second option there. Without this that I have to, though SB Singh Saab is the great educationist and to replace him is very much difficult for me. But because it's time to discuss and talk to all of you who are the pioneer and the stars of the education, I'm here with all of you. Thank you very much once again. Well, there are some words given by Bogoslavsky that you have to frame the education according to the frame of your society. Means what kind of the society you want to frame, you have to frame your education system according to that. And this is the reason that in every 15 year, society changed because a new generation take the place and naturally we have to have some changes, make some changes in education system also. As Dr. H.K. Diwan, who is the professor of Ajim Premji University, he says many times that education is a kind of politics. Means whatever parties are there in the crown, they always like to give some new thoughts to the nation, new direction to the nation. And for that,
they changed the education system for the next generation. And we can see that when India got freedom, we come through the Madhyamik Shiksha Ayog, and then Kothari Ayog was there because some changes were there after the China war. Then when Rajiv Gandhi came and computer system entered in our education system, we got new education policy in 1986. And then with some differences again in 1992, we have adopted it. Then when generation changed and these all mobiles and social media, then these all things entered inside, then we again changed and National Curriculum Framework 2005, we introduced for the next generation. And naturally, this is time when we are on the peak of technology in the whole world. And a lot of values of our humanity, like liberty, like the tolerance, like the brotherhoodness, which is in danger. And naturally, we have to prepare a new generation to face this time when globalization is there, liberalization is there, privatization is there. Then it was a need to frame one new policy for this education system and for this generation. And so naturally in NEP draft is there. Professor Kasturi Rangan and his team had done a Himalayan effort, in fact, I can say, because there is a lot of difference in 2000-2020. A explosion of knowledge is there. Means whatever was there in 2000, I think that thousands time difference is there in 2020. The new generation which is coming out, who are able to take the classes or join the classes on virtual classes on the mobile, we cannot think even it was in 2020. And this is a new era where we are. So naturally, after every 15 or 20 years, we need some kind of the policies there. And this new education policy, which we have now, the draft which we and draft is now going to be passed, and naturally we think that after some amendments it will be there. But the basic drafting of this NEP, it is giving a right pathway to our new generation. I'm sure about it. Education system has accordingly been crafted to ensure that it touches the life of each and every citizen. It has written the preamble of this NEP 2020. And consistent with their ability to contribute to many growing developmental imperatives of this country on one hand, and towards creating a just and equitable society, which is a big challenge before us. And naturally, we need some kind of the new education policy, some kind of the educational draft should be there by which we can go for the social justice, we can go for the equal society, we can go for the an equilibrity in the society. And for that, this policy is there. I'll not go in the deep of this draft because it's a 600 pages draft, and naturally a lot of things are there. And as I told that this is draft and some kind of amendments will be there. But the major things which are there, the basic objectives, or I can say the ethos or ethics is there. I would like to ask about ethics. According to Vivekanand, when he says that education is not amount of information that we put into your brain and runs right there. We want to build the life of students, teachers, and life of the citizen. And a man-making character should be there in the education system. And naturally, this whole policy, which is going to be implemented by this country, is totally depend on this. I can say in another way, this, it's a kind of roadmap for the country, in fact. We have provided the multiple exit and entry options for the students, starting with the secondary education stage and going all the way into the undergraduate and postgraduate education and research even. Even though a student, many discontinue his or her study in between that, but how they can join back that stream of education comfortably, and I can say that without any specific effort on the higher level, this is the major thing which is there in this new education policy, which we are going to see now in these days. One more beautiful thing is there in this policy, which I always discuss with my students and my colleagues and anywhere where I'm going, that we are set in some semantic box. Means a person who is studying the science, he will go for the science for the future, and for a lot of time, or his time being, he will be there in the science only. Or the person who is learning arts or humanity, he will be there in humanity only. Some kind of boxes are there. This new education policy is breaking these all boxes. A person who is from the science stream
can learn art, can learn humanities, can learn fine art on any of the streams after going in the colleges. And this is beautiful thing that I think that we should be there. My many friends are there whose daughters and sons and their spring also were studying in the foreign in London or US and there. And when they are saying me that their wards are studying physics, drawing and economics. And then I feel very wondered that how it is possible. In our country, one person who is studying physics or reading physics, he cannot go for the economics. But this education policy is providing this kind of the way. So I can say that this is in fact a roadmap of the education in our country. Or I think the next generation will be more comfortable than us. We can learn the literature and arts with the technology and with engineering and with mathematics even. And so that I think that something is very different in this education policy we have. And naturally, some big changes which you can feel, you can think that will be there in this new education policy. And a special one thing is there that even ECCs, they are doing more efforts and imposing on the ECC also, early childhood care system. They want that something should be there up to 3 years age also for the children. And then for primary education, although we have RTE there and we are liable to give the free and free education up to the age of the 14 year and there some law is there, but still we are feeling that there are some hurdles are there and we are not able to give that proper implementation of that law. So I have very few time, Dr. Saab, DB Singh Saab, just I'll take 2 minutes only. One thing which I would like to say that research is the basic, I think that a focus area of this NEP. Because in any country, in any developing or developed country, high quality research is the, I can say that it's a kind of mirror of the economy, mirror of the education system, mirror of the society of that country. And in our country, it's a big trouble. We are suffering from a lot of problems. The researches are not up to that mark. And a lot of amendments and provisions are there in this NEP for research also. And one last thing I would like to say, which Prime Minister also indicated, that we are going to become the 5 trillion economy in 2030 or 32. And this is only and only possible if this kind of the open education system is there in the country. I think that if this draft is going to the assembly and then passed and implied, naturally we will see a new era and new horizon in education, and our new generation will be more comfortable with the education. They will come out with this all boxes and we will learn a lot. Thank you very much. And thank you very much, Daksa. I think that time is very limited and you have given me a slot of only 10 minutes. So I would like to conclude my thoughts that this is a new era. We have to ready to welcome it and we hope for the best that more than all other policies, this policy will give guidance to our new generation and you are teacher and teacher education. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Arvind Ashia ji. Friendly, aapse talk roj hoti rehti hain. As an academician, 33 saal baad main aaj suna. Nisandeh Vidya Bhavan ko ek legendary jo institution hai, उसको एक लेजेंडरी प्रिंसिपल बहुत लंबे समय बाद में मिला. थैंक यू मैम. आगे बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अरविंद आशिया जी. कुछ पार्टिसिपेट्स ऐसे हैं जिनको जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर कठिनाई आई होगी, लेकिन माफी चाहूंगी क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, तो इस चीज को अपन को दोनों ही जो लैंग्वेज है इनको ध्यान में रखना है. कुछ पार्टिसिपेंट है अपने यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ सकती है. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छी बातें बताई. अब मैं जो हमारे आज के जो एफडीपी प्रोग्राम के जो स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अहमदाबाद, आमंत्रित करती हूँ उनको कि हमारी जो टॉपिक है आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्यूचर रोड मैप फॉर एजुकेशन इन इंडिया, इनके बारे में अपना जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे पार्टिसिपेंट से शेयर करेंगे. आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी को. नमस्कार. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. ये संस्था जो फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और साथ ही साथ कनोरिया बीएड कॉलेज ने
ये फ्यूचर रोडमैप को ध्यान में रखकर भारतीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो ये FDP प्रोग्राम आयोजित किया है वो बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि अरविंद जी ने भी अभी बताया, थोड़ा सा ब्रीफ में भी उन्होंने पूरे शिक्षा नीति के संदर्भ में कहा। हालांकि मैं भी विद्या भवन का ही विद्यार्थी हूँ और मेरा शिक्षा शास्त्र की उपाधि भी वहीं से हुई है, तो मैं भी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। शिक्षा नीति के संदर्भ में अभी हम बातचीत करें तो सबसे पहले तो ये सरकार ऐसे कार्यों को पूरा करने में सक्षम है जो कई सालों से अधूरे रहे हैं या अनछुए रहे हैं या किसी ने इसको पूरा करने का साहस नहीं दिखाया है। और शिक्षा नीतियां पहले भी बनी हैं, कई प्रश्न उसके संदर्भ में उठे भी हैं कि ये नई शिक्षा नीति में पुराना जैसा भी काफी कुछ है और इसको पूरा करने में कितने सफलता प्राप्त होगी, इसके बारे में भी संदेह व्यक्त करते हैं लोग। लेकिन सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि हमने काफी सालों में देखा है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो अच्छे से पूर्ण किए गए हैं। तो इस शिक्षा नीति में सबसे पहले तो MHRD का नाम ही बदल दिया गया है, जिसको हम मानव संसाधन कहते थे, भौतिक संसाधन भी जिसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो टीचर को या विद्यार्थी को एक संसाधन के तौर पर बुलाना, ये कई बार मेरे मन में भी प्रश्न खड़ा करता था। और शिक्षा मंत्रालय नाम करके ये बहुत अच्छा किया है और इससे शिक्षा के संदर्भ में और गंभीरता भी आएगी, जिसको इस शिक्षा नीति के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इस शिक्षा नीति में बजट के बारे में भी 6% GDP का खर्च किया जाएगा ये कहा है। हालांकि पिछली शिक्षा नीतियों में भी इसके बारे में काफी बजट रखा हुआ था, लेकिन ये पूरा नहीं हो सकता था। देखते हैं इस शिक्षा नीति में क्या हो सकता है, लेकिन ये भविष्य के लिए एक अच्छा है कि अगर इसको अच्छे तरीके से अमल किया जा सकता है तो शिक्षा को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाया जा सकता है। हम बात करें, इसमें मातृभाषा के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा के ऊपर अध्ययन किया जाना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। और व्यवहारिक तौर पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारी शिक्षा में स्कूल और कॉलेज का माहौल कैसा है, और उस माहौल में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति किस हद तक कारगर है, ये हम सब जानते हैं। हम भले ये कहने के लिए कहें कि अंग्रेजी शिक्षा वो हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उस वो कितनी हद तक महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं। और इसीलिए मातृभाषा के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि आगे की शिक्षा, उच्च शिक्षा तक की भी अगर मातृभाषा में कोई विद्यार्थी प्राप्त करना चाहता है तो वो ले सकता है। ये हमारे भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हम विदेशों में देखें तो विदेशों में कई देश ऐसे हैं जिनमें शिक्षा का माध्यम उनकी ही मातृभाषा है, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में विचार करता है, सोचता है, उसका घर का माहौल जिस तरीके का होता है, उस माध्यम में अगर वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है तो उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है, उपयोग में ला सकता है और वो अपनी स्किल भी डेवलप कर सकता है। तो मातृभाषा शिक्षा के ऊपर अधिक जोर देना ये बहुत वाजबी है और इसका हमें सराहना भी करनी चाहिए, भविष्य के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ 6ठी कक्षा में ही वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए शुरुआत की गई है, इंटर्नशिप की बात की गई है, तो विद्यार्थियों के लिए यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी अपने शिक्षा के साथ साथ किसी भी स्किल को ग्रहण करें। गांधी जी ने भी इसके ऊपर जोर दिया था, लेकिन इस संदर्भ में बहुत काम नहीं हुआ है अभी तक। अगर इस शिक्षा नीति को अच्छे तरीके से अमल किया जाए तो ये शिक्षा नीति स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कारगर रहेगी। स्किल इंडिया भी सरकार ने इसी उद्देश्य से इस दिशा में लाए गए थे कि भाई भारतीय शिक्षा को स्किल एजुकेशन के तौर पर और ज्यादातर बढ़ोतरी मिले। जैसा कि
शिक्षा में और भी बातें की गई हैं जिसमें मूल्यांकन के संदर्भ में भी कुछ बातें कही गई हैं। अभी तक हम देख रहे हैं कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन एक 3 घंटे की परीक्षा के माध्यम से होता है। अगर बच्चे की उन दिनों उनका मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मूल्यांकन में ये भी देखा गया है कि शिक्षक अगर मूल्यांकन करता है तो उसमें भी कई तरीके से मूल्यांकन के पहलू हैं जिससे विद्यार्थियों के सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी खुद भी मूल्यांकन करें, उसके सहपाठी भी मूल्यांकन करें और साथ ही साथ शिक्षक भी मूल्यांकन करें, ये तीनों बातें उनको एक दूसरे के साथ जोड़ दी गई हैं। तो इस संदर्भ में भी भविष्य में विद्यार्थियों के जो परीक्षा का बोझ है वो भी कम पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि मानसिक तौर पर एक परीक्षा का तनाव बच्चों के ऊपर रहता है हमेशा, तो इस शिक्षा के माध्यम से ये भी देखा गया है कि विद्यार्थियों के ऊपर कम से कम परीक्षा का बोझ पड़े और विद्यार्थी एक स्वस्थ माहौल में और स्वस्थ मानसिकता के साथ अपना एक परीक्षा दें। ये भी देखा गया, एक शिक्षकों के नियुक्ति के लिए भी इसमें एक मानक बनाया गया है जो भी भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। हम ये देख रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्तियों के संदर्भ में शिक्षक किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये भी हमने देखा है। भले हम इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें लेकिन हमारा मन जानता है कि ग्रेजुएशन की शिक्षा या पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा या बीएड की शिक्षा हो या कोई और अभ्यासक्रम भी हो किस तरीके से लिया जा रहा है ये भी हमें पता है। तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है वो भी 2022 तक तय किया गया है, जिसके माध्यम से भविष्य में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति होगी या ऐसे शिक्षक आएंगे जो एक सही मायनों में शिक्षा को एक अलग दिशा दे सकें। तो उच्च शिक्षा में भी इस तरीके से कई सुधार किए हैं जो भारत के भविष्य के लिए भी अच्छे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में 12वीं तक अभ्यास करता है वो उच्च शिक्षा में अचानक से अंग्रेजी माध्यम आ जाता है तो वो कई बार अपना अभ्यासक्रम इतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो उच्च शिक्षा में भी अगर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए भी छूट दी गई है। साथ ही साथ मल्टी लेवल एंट्री और एग्जिट की भी बात कही हुई है। हम खुद भी देख रहे हैं कि अभी तक कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले साल दूसरी साल करके छोड़ देते हैं शिक्षा, तो इस बारे में भी भविष्य के लिए ये बहुत बेहतरीन है कि एक साल पूरा करने के बाद उसको सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और उसके बाद डिग्री, ये भी एक भविष्य के लिए बहुत अच्छा निर्णय है कि शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसे बच्चे जो बीच में ही अपना अभ्यासक्रम छोड़ दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। वो अपने इतने 1 वर्ष या 2 वर्ष करने के बाद भी अपने उस ज्ञान को या उस प्रमाण पत्र के आधार पर कहीं पे भी नौकरी पा सकते हैं, कुछ अच्छा काम भी कर सकते हैं। शिक्षा नीति में कॉलेजों के संदर्भ में भी कई छूट छाट दी गई हैं। ऑटोनोमस कॉलेज को भी अपने अकादमिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर कई छूट छाट भी दी गई हैं और ये भी भविष्य में अच्छा है कि कोई कॉलेज ऑटोनोमस तौर पर अपना एक अच्छा कार्य करना चाहता है तो वो कर सकता है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में भी कई प्रश्न उठ रहे हैं जो कई विश्वविद्यालयों के द्वारा, तो हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है तो ये थोड़ा सा एक ये भी ध्यान में रखने के लिए बनाया गया है कि शिक्षक हो या प्राध्यापक हो कॉलेज लेवल पर एक अच्छी तनख्वाह सरकार के माध्यम से ले भी रहे हैं तो उनकी एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। इसके लिए ये कोई मूल्यांकन नहीं है कि सरकार इसके ऊपर कोई निगरानी करना चाह रही है या उसके ऊपर कोई कंट्रोल करना चाह रही है, लेकिन एक सरकार जिस नीति को या जिस पॉलिसी को अमल में लाना चाह रही है वो पॉलिसी क्या उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में प्रभावी तौर पर कारगत हो रही है या नहीं हो रही है, इसको ध्यान में रखने के लिए लाई गई है। तो इसका हमें पॉजिटिव तौर पर देखना चाहिए। साथ ही साथ जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है इसके बारे में भी इसमें एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम बताया गया है कि हर विद्यार्थी को जिनको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है उनकी भी ट्रैकिंग वगैरह होगी ताकि वो अपना शिक्षा जिस छात्रवृत्ति के माध्यम से कर रहे हैं वो उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई है,
और अगर उनको अधिक छात्रवृत्ति चाहिए या उस छात्रवृत्ति का किस हद तक और ज्यादा परिवर्तन के तौर पर भी उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसके बारे में भी इस पोर्टल को और ज्यादा प्रभावी भी बनाया गया है और ये एक सराहनीय कदम है। ये भविष्य के लिए भारत के भविष्य की नींव को और ज्यादा मजबूत करेगा। इस शिक्षा नीति का एक ही उद्देश्य है कि भारत को एक ज्ञान के तौर पर एक बहुत ऊंचाई पर ले जाना। भारत पहले भी अपने ज्ञान के माध्यम से विश्व भर में इसकी ख्याति बहुत थी। कुछ समय में हम देख रहे हैं, हम टीका भी करते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और मैकोले वगैरह की शिक्षा प्रणाली जब से आई है तब से कितना नुकसान भारत को अपने शिक्षा के माध्यम से झेलना पड़ा है। तो इस शिक्षा नीति में भविष्य में ये भी ध्यान में रखा गया है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब कदम लाए गए हैं। दूसरा कि टेक्नोलॉजी अभी कोरोना के काल में बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है। शिक्षा में एक टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत सालों से सुनने में भी आ रहा है, लेकिन जितना इस कोरोना काल में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए इस शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी शिक्षा को भी और प्रभावी बनाने के लिए बहुत बातें कही गई हैं, जिसमें ई पाठ्यक्रम को भी लाया जाएगा और ई पाठ्यक्रम में और भाषाओं के माध्यम से भी पाठ्यक्रम को विकसित किया जाएगा। संस्कृत या अन्य भाषाएं जो हमारी प्राचीन है, जिसमें बहुत प्राचीन ग्रंथ भी हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको और भाषाओं के माध्यम से भी इस एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो इस शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में है, ये भारत की भविष्य की नींव को और ज्यादा मजबूत करेंगी। हम देखेंगे कि आने वाले 20-30 साल में अगर इसको अधिक प्रभावी तौर पर लागू किया जाता है तो ये भारत को एक अलग दिशा में ले जाएगा। सवाल यही है कि ये कहाँ तक लागू किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा एक राज्य स्तर का विषय है और भारत के अंदर कई राज्यों में कई अलग अलग सरकारें भी हैं। लेकिन हम सभी सरकारों का और हम सभी शिक्षाविदों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा नीति को उसी भाव से उसी तरीके से लागू किया जाए कि जिस तरीके से श्री के कस्तूरी नंगन जी की अध्यक्षता में शिक्षा नीति बनी है। अगर हम उसी तौर पर उसको लागू करेंगे और पॉजिटिव दिशा में हम अपना माइंडसेट रखकर इसको इसके लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये शिक्षा नीति आने वाले 20-30 सालों के अंदर तो भारत को एक अच्छा एक राष्ट्र निर्धारित करने में या भारत को एक इस दिशा में कि भाई भारत एक मार्गदर्शक के रूप में विश्व में रहे, विश्व गुरु बने, इस तौर पर भारत को एक अलग दिशा निर्देश देगी। अस्तु जी, डीपी सिंह जी। थैंक यू यतेंद्र जी। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और निश्चित रूप से यतेंद्र जी हमारे साथ में ये चेतना के लिए एडिटर भी हैं और समय समय पर जो आपके आर्टिकल्स आते हैं उनसे आपके एजुकेशन के लिए जो इनडेप्थ जानकारी है उसकी हमें सहज अनुभूति होती है। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ समय दिया, थैंक यू, आपका खूब खूब अभिनंदन। आप घर के आदमी हैं, हमारे एकदम परिवार के आदमी हैं, ये चेतना में आप साथ में जुड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू यतेंद्र जी। सर जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। एंड नाउ वी हैव हियर अमंग विद अस डॉक्टर विनोद शनवाल, ए वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन एजुकेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। He is a very prominent figure in education and he has worked as associate professor with Fiji National University at College of Humanities and Education in Fiji Island. He was awarded research fellowship from the Indian Council of Medical Research, ICMR, and also worked with ICMR Task Force Project on Suicide Behavior. It's a very great work by Dr. Shanwal,
and he also received Young Scientist Award and P.B. Bakshi Award. His name was also figured in Emerging Indians 2007 under Science Technology category through a survey that was conducted by the WEEK IMRB in August 2007. And he was awarded his doctorate and doctorate of philosophy PhD degree from Jamia Millia Islamia, New Delhi, in the field of emotional intelligence. And he has done 3 post-graduation also in education, in political science, and in behavior modification. And he is one of the pioneer researcher in the field of emotional intelligence. And he has written more than 3 dozen research papers, including book chapters, articles for books, journals, and magazines. And he also attended more than 2 dozen conferences and seminars. He had been the panel of a few renowned organizations like Nexus EQ, World Associate of Value Education, WAVE, and IISMAS, etc. So we are very grateful to you, sir. So I would like to invite, with folded hands, Dr. Vinod Shanwal to share his views on today's FDP program, New Education Policy 2020, a future roadmap for education in India. Thank you, sir. I would like to... Thank you, Sharmaji. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Manoj Jajaria ji, principal, Dr. Anil Sharma ji, Dr. Arvind Ashraya ji, chief guest of the function, Dr. Yatendra ji, special guest of today's function, my dear friend and my elder brother, Dr. D.P. Singh ji, and my dear friend and my younger brother, Dr. Kishore Kumar ji, other family members of Kanoria B.Ed. College, and dear listeners or delegates, a very good afternoon to one and all present here. At the outset, I would like to congratulate and compliment the Kanoria B.Ed. College and Federation of Community Radio Station for organizing such a wonderful program on a latest field. So I would like to compliment and congratulate both the organizations. The previous speakers, the chief guest and the special guest, have covered most of the things related to new education policy. However, I will try to cover some important aspect of new education policy. And as we all know, that instead of saying it as new education policy, rather we could say it is national education policy, because when this policy was framed, 2 lakh villages, out of those 2 lakh villages, 3,050 districts, 29 states, and 8 UTs. Ultimately, I mean to say, every level, every stakeholder were involved while this draft was prepared. More than 26 lakh suggestions were received, and out of those suggestions, ultimately, this most of the things were incorporated in this new education policy. We have 3 stakeholders mainly. When we have students, suggestions from students were received. We have faculty members like teachers. Teachers, they have also given suggestions. Their suggestions were received. And mainly the parents and the other members of the entire country were involved while framing this policy. So, instead of saying it new education policy, rather we should say it's a national education policy, as each and every member of the society were involved while this draft was
prepared. Earlier education policies had a difference, like there was a duality in situation. Few students who were given the education from primary level, those who entered into nursery, KG, and just completed their education from public schools or private schools. But we didn't have any provision for those who were studied with government schools. So the disparity between public and private has been removed with this education policy. इस एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे जो डिस्पेरिटी थी पब्लिक और प्राइवेट की, उसको खत्म किया गया है. मोर इम्पोर्टेंटली दोज हु आर और हु वर नॉट एबल टू पे और दोज हु वर नॉट एबल टू अफोर्ड फॉर प्राइवेट स्कूल्स, नाउ देयर स्टूडेंट्स और देयर चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गेट द सिमिलर एजुकेशन और सिमिलर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो it's a very good step of this policy. Second, the situation of earlier policies were stressful. Now this policy is a joyful education, because when the students will go to Anganwadi, they can play and they can learn through playing. खेल खेल में ही वो शिक्षा लेंगे और उनको किसी प्रकार का कोई प्रेशर या किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा. The more important aspect is evaluation pattern. Under evaluation pattern, self-evaluation, peer evaluation, and evaluation by teacher. So it's a very important. When a person is being evaluated at three level, ultimately it will help the students in making harmonious relationship among their classmates. When every student knows he or she is being evaluated by the peer evaluators, then definitely with this system, the relationship among students would be very cordial. Then choice of subjects at secondary level, very good step, because earlier it was a compulsion on the part of the institutions that students can't choose subjects according to their choice. पहले वाली जो पॉलिसीज थी उसमें एक रिजिडिटी थी, देयर वाज अ कंपार्टमेंटलाइजेशन, एंड बिकॉज ऑफ दोज कंपार्टमेंटलाइजेशन स्टूडेंट हैड टू फेस सेवरल काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल दे हैव टू चूज द सब्जेक्ट. जब विद्यार्थी को सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता था उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता था. आर्ट्स का बच्चा ये नहीं चूज कर सकता, साइंस का बच्चा ये चूज नहीं कर सकता, और कॉमर्स का बच्चा ये सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता. अब ये इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी की सारी बाधाएं भी दूर हो गई हैं. एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज थी जो पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी अदर एजुकेशन पॉलिसी, रेदर आई एम जस्ट सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स अवेलेबल विद मी, अभी तक जो सिस्टम रहा है 26 सुसाइड्स पर डे के होते रहे हैं, और 26 सुसाइड पर डे इज ए ह्यूज डेटा, इज ए ह्यूज नंबर. उसके पीछे कुछ हद तक जो हमारा जो एजुकेशन पैटर्न था, जो एजुकेशन सिस्टम था, वो भी रेस्पॉन्सिबल था. बच्चे को उसके चॉइस के मुताबिक सब्जेक्ट नहीं मिलते थे, बच्चे को उसके चॉइस के मुताबिक चीजें नहीं मिलती थी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली व्हेन समबडी इज जस्ट रीडिंग एट राजस्थान, दैट पर्सन हैज टू रीड द सिलेबस ऑफ एनी अदर कंट्री और रीड द सिलेबस ऑफ एनी अदर स्टेट. इफ वी जस्ट प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी टू ए चाइल्ड कि जिस देश का, जिस कंट्री का, जिस राज्य का, जिस एरिया का बच्चा है उसके बारे में या उसकी भौगोलिक चीज को समझे, उस चीज के बारे में समझने के बाद अगर आगे चले तो दैट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट एंड दैट वुड बी मोर इजियर फॉर एनी स्टूडेंट. देन फाउंडेशन स्टेज 3 years प्री प्राइमरी, यानी कि पहली और दूसरी जो कक्षा रहेगी बच्चों की, वो बड़े अच्छे से आंगनबाड़ी में खेल खेल में बच्चा सीखेगा. उनके साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डेवलप होंगी. फर्स्ट, दे कुड लिव इन ए हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द अदर अदर क्लासमेट्स. मोर ओवर द क्रिएटिविटी, द इनोवेशन इन देयर एक्टिविटीज अल्टीमेटली हेल्प देम इन डेवलपिंग देयर माइंड और देयर कॉग्निशन फुल्ली, बिकॉज अवर स्टडीज
also claimed that up to the age of 6, the development of any child is important. And in this policy, we are not talking about cognitive development, we are not talking about emotional development, we are not talking about social development, rather we are talking about holistic development. किसी भी बच्चे का एक सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं. सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे का सामाजिक, बच्चे का मानसिक, बच्चे का मनोवैज्ञानिक, हर प्रकार के विकास का होना बहुत ही जरूरी है. तो जब इस पॉलिसी के अंदर ये सब प्रकार के विकास की बात है तो बहुत ही अच्छी बात है. इससे पहले की जो पॉलिसीज थी उसमें बच्चे को 3 घंटे के एक एग्जामिनेशन के बेसिस पर इवेल्युएट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर In this policy, the teacher has to rate the student in other component or other activities which he or she is being involved in. जिन बाकी कार्यकलापों में बच्चा इन्वॉल्व है उनके बारे में भी ये सारी की सारी चीजें लिखी जाएंगी उनके रिपोर्ट में, उनके रिपोर्ट कार्ड में, जिसके बच्चे के पेरेंट्स और बाकी लोग देखेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है पॉलिसी के अंदर, बहुत अच्छा डिसीजन है. देन मिडिल स्टेज के अंदर जो इतनी इंपॉर्टेंट जो स्टेज होती है जिसके बाद बच्चे को अपने करियर को चूज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बच्चे को किस करियर में, किस फील्ड में जाकर के करियर अच्छा बनाना है, दैट चाइल्ड विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट. देन अर्लियर द RTE राइट टू एजुकेशन वॉज restricted up to 6 to 14 years of age. Now it has been extended. It will now be from 3 to 18 years of age. And the more importantly, the one important aspect which has been included in this policy is breakfast in addition to midday meal. It's very important. When the child enter to a school, definitely if he or she is with full of energy, अगर बच्चे ने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया है तो बच्चे को एनर्जी के साथ एंटर करता है, एनर्जी के साथ जब एंटर करता है तो उसका बाकी चीजों में भी ध्यान लगता है और पढ़ाई में भी उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. तो ये बहुत अच्छा एक सजेशन है और बहुत ही अच्छा एक सुझाव रहा है कि ब्रेकफास्ट भी बच्चे को दिया जाए उनको मिड डे मील के साथ. देन रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स. कुछ तो हमारे ड्रॉप आउट रेट्स के पीछे जो कारण थे वो कारण थे बच्चे को चॉइस के सब्जेक्ट्स ना मिलना, बच्चे को एक डायरेक्शन प्रॉपर ना मिलना. इस पॉलिसी में डायरेक्शन भी प्रॉपर मिलेगी, चॉइस के सब्जेक्ट भी मिलेंगे, तो ड्रॉप आउट वैसे ही कम हो जाएगा. और उसके अलावा उसको टारगेट बना करके हम इसको ड्रॉप आउट रेट को कम करेंगे. तो इट्स वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप. अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, 3 साल से ऊपर की जो अर्ली चाइल्डहुड एंड जो हमारी एजुकेशन रहेगी बहुत महत्वपूर्ण है. देन मोर इम्पोर्टेंटली इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी, SCST के लिए अपॉर्चुनिटी, ट्राइबल्स के लिए अपॉर्चुनिटी. तो मतलब अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द चिल्ड्रन विल बी गिवन. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी इज पूलिंग सब्जेक्ट चॉइस, सेमेस्टर चॉइस, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वन इज वर्किंग ग्रुप एज वेल एज साइकिलिंग ग्रुप. इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है कि जो बच्चियां हैं वो जब स्कूल जाएंगी वो एक ग्रुप के अंदर बच्चियां स्कूल आएंगी, उसके बाद उनको दूसरा जो ग्रुप रहेगा उनको साइकिल की भी सुविधा है कि साइकिल में वो ग्रुप रहेंगे. तो जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती थी या बच्चों के अंदर एक स्टिग्मा होता था कि वो अकेले स्कूल नहीं जाएंगे, वो सारी की सारी चीजों का भी इसमें प्रोविजन रखा गया है. दूसरी चीज है कि जो रिसोर्सेज का पूल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी इंस्टीट्यूट It's not possible for us to provide each and every resource to each and every institution, but institution could pool those resources. जो हमारे पास जो resources available हैं, उन resources को एक cluster के level पर उन resources को distribute किया जाएगा और cluster level पर उन resources को use किया जाएगा. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है. Recruitment of teachers के लिए भी कुछ mandatory requirements हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के बाद ही टीचर का रिक्रूटमेंट होगा. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है. इससे पहले स्कूली लेवल पर टीचर्स का स्पेशली, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स का, इन सर्विस कोर्स या ट्रेनिंग वगैरह का प्रोविजन नहीं था. नाउ दैट प्रोविजन हैज ऑल्सो बीन इनिशिएटेड. एवरी टीचर एंड प्रिंसिपल हैज टू अंडरगो ए 50 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. एक 50 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि टाइम टाइम पर जो चेंजेस होते हैं, नथिंग इज
permanent in this world except the change. And we have to make pace with the changes. जब हमें चेंज के साथ चलना है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अपनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को भी अपनाना पड़ेगा. देन लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में भी जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है. अर्लियर द रोल ऑफ बोर्ड वॉज वेरी, बोर्ड का जो रोल था वो बहुत ही इम्पोजिंग था. नाउ द रोल ऑफ बोर्ड हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड, जो बोर्ड का जो रोल है वो कम कर दिया गया है और जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को एग्जाम देना है, बच्चे ने एग्जाम दिया, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको इम्प्रूवमेंट का भी एक स्कोप मिलेगा. और इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट इसके अंदर है वो ये है कि आपको वर्चुअल लैब्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. जब वर्चुअल लैब के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, राइट नाउ वी हैव दिस विद अस, दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, एक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है. इसके अलावा एनसीईआरटी, अदर गवर्नमेंट एजेंसीज आर वर्किंग whole lot of activities related to these virtual labs. Even though I would like to share one example of mine. 2 days ago, I had to deliver a lecture for Jannayak Chandrasekhar University. The moment I was digging out some material that was on online pedagogy, the moment I was digging out some material, I found a single system in the Google Meet. I press that button and I found that the whole surroundings of my community or my society, I could see. मैंने सारा का सारा अपनी society और community के बाहर का जो scene था वो अपने laptop पर देख लिया. In fact, the vegetable vendor was standing outside and one person was purchasing that vegetable was also seen in that system. आजकल ये इतने अच्छे एक सिस्टम आ गया है कि जो हमारा जो वर्चुअल लैब है उसमें हम घर बैठ करके कोई भी चीज देख सकते हैं, कोई भी काम हम कर सकते हैं. देन गवर्नमेंट इज आल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर डीटीएच चैनल एंड स्मार्टफोन. स्मार्टफोन के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, रेदर इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट. इससे पहले हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इवन दो टीचर्स हैं, उनको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए लोगों अवेयर नहीं थे. बट ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक एवरीबडी इज वेल ट्रेंड विद दिस सिस्टम. सभी लोग इतना अच्छा सीख गए हैं. जूम, जूम नहीं है तो गूगल मीट, गूगल मीट नहीं है तो देन सिस्को वेबएक्स, सिस्को वेबएक्स नहीं तो एनी अदर प्लेटफॉर्म. सो अल्टीमेटली एवरीबडी इज ट्यून्ड एंड एवरीबडी इज ट्रेंड टू इट. देन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का एक जो प्रावधान किया हुआ है एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर, जो हम इतना दिन से काम कर रहे थे, उसको और थोड़ा सा स्ट्रेंथन बनाने की जरूरत है. Then knowledge of India is more important. When we are just sitting in our own country, the first and foremost education should be given to the student about our culture, about our heritage, about our folk, about our system, about everything. आज की डेट में हमारा बच्चा जो किसी भी क्षेत्र में है उसको नदी के बारे में, नाले के बारे में, पहाड़ के बारे में, किसी खेती के बारे में, इवन दो कुछ दिन पहले राजस्थान में और कुछ हमारे उत्तरी भारत में कुछ समस्या आई थी टिड्डी दल की, तो उस समय कुछ बच्चे इवन दे जो हमारे राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे वो पूछते टिड्डी क्या है. तो मतलब द स्टूडेंट्स वर नॉट इवन अवेयर अबाउट दैट टिड्डी, जो कि इस तरह की जो प्रॉब्लम हमारी होती है जो हमारी फसलों को खत्म कर देती है, फसलों को खा जाती है, या उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है. तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और दैट कुड बी इंक्लूडेड इन एजुकेशन कि हमें किस तरह की फसल कब कहाँ उगाई जाती है, क्या सिस्टम होता है, हमारा क्लाइमेट क्या है, किस क्लाइमेट में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग मशीन, वी आर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन बींग्स एंड एवरी ह्यूमन बींग should be equipped with social system, equipped with culture, equipped with heritage, equipped with all the system surrounded by that particular person. जो हमारे आसपास का जो environment है, जो हमारा समाज है, हमारे समाज का जो system है, जो हमारा culture है, उसके बारे में भी हमें बच्चों को शिक्षा देना है. Education doesn't mean we are providing degrees. Education means we need to provide them knowledge. हमें उनको ज्ञान देना है, उसमें इनोवेशन का काम होना चाहिए, वो अपनी नई तकनीक के बारे में काम कर सके, इस तरह के हमें नॉलेज और इनोवेशन की जरूरत है. देन वोकेशनल एजुकेशन, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस एजुकेशन पॉलिसी. वोकेशनल एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ लुकिंग फॉर जॉब, द स्टूडेंट कुड स्टार्ट देयर ऑन
manufacturing unit or startups and make their own system. Then earlier the sports co-curricular or extracurricular was not given due weightage, but now due weightage is given to extracurricular, co-curricular and other areas. Then tribal population, special provisions for tribal population, ultimately उनके लिए भी और एक जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन मींस जस्ट इंक्लूड ईच एंड एवरी पर्सन. दोज हु आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल सो ट्रेनिंग ऑफ देयर पेरेंट्स विल बी गिवन सो दैट दोज पीपल बी एजुकेटेड. ये इस तरह की सारे के सारे प्रोविजंस इसके अंदर हैं. देन अप टू 2030 100% literacy and numeracy to be achieved. It's a very important target. Why this education policy was essential or why this need arises? Ultimately, when some agencies just conducted surveys with some schools, so the student who's studying in fifth standard were not able to सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड. पांचवी का बच्चा दूसरी कक्षा तक के सवाल या किस तरह की जो न्यूमरेसी की जो बात हम करते हैं या जो लिटरेसी की बात करते हैं वो सवाल सोल्व नहीं कर पा रहा था, वो पढ़ नहीं पा रहे थे. तो वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए भी ये जरूरी है. और जब हम बात करते हैं 100% लिटरेसी और न्यूमरेसी के, अल्टीमेटली वी नीड टू टॉक अबाउट एंड वी नीड टू सेट ए टारगेट एंड दैट टारगेट विल बी अचीव बाई 2030. देन पीपल टीचर रेशियो इज 25:1. वेरी गुड नंबर. पीपल टीचर रेशियो का भी जो हमारा जो नंबर है वो एक बहुत ही अच्छा नंबर हमारे पास है और इसके साथ हम ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं. देन मोर इम्पोर्टेंटली अबाउट रिसर्च और अर्लियर दोज हु आर जस्ट टेकन एडमिशन और हु वर एडमिटेड इन टू यूनिवर्सिटी लेवल, इफ by any chance that the student had to leave the education in between, ultimately whatever efforts he or she had done go waste. That were considered as wastage of efforts. Agar koi bachcha graduation mein admission leta tha aur 6 mahine ke baad ya 1 saal ke baad wo bachcha chhod deta tha, jab agar bachcha 1 saal ke baad chhod deta tha तो उसके बाद से उस बच्चे को दोबारा उस प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ता था. एंड इट वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू कि किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ फर्स्ट ईयर दैट पर्सन हैड लेफ्ट द इंस्टीट्यूशन. देन विद दैट सिस्टम दैट स्टूडेंट हैड टू टेक एडमिशन अगेन इन ग्रेजुएशन. बट विद दिस पॉलिसी इफ अ स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर then that student will be given certificate degree. If that student has completed 2 years, that student will be given diploma. And if that student has completed 3 years, then the student will be given degree. And if that student has completed 4th year, then that student will be given degree plus research certificate. So that was very important aspect. Earlier we had some differentiation, or rather we could say that was lack of coordination among 2-3 agencies. One agency was University Grants Commission, and if we just talk about teacher education, the another agency was National Council for Teacher Education. So ultimately few regulations were came into existence from UGC and few were from NCT, and it was a situation of a dilemma. Sometime it became very problematic to decide which policy or which regulation we need to follow. But with this system, the merger of UGC, NCT and other regulatory bodies and Higher Education Commission of India will be constituted. So, सारी के सारी चीजें एक common platform के नीचे आ जाएंगी और उसमें जो पहले जो हमारा जो ओवरलैपिंग होता था, ये जो कम्युनिकेशन गैप होता था, ये कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती थी, वो सारी की सारी चीजें आसान हो जाएंगी. The another aspect is college will get autonomous in next 15 years. ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है. बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, खास करके मेरे मित्र यहाँ किशोर जी बैठे हैं. किशोर जी का कॉलेज है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उनको भी
उस कॉलेज को भी बार बार यूनिवर्सिटी के साथ बाकी रेगुलेटरी बॉडीज के साथ टाइप करना होता था, बट विद दिस पॉलिसी सच कॉलेजेस एंड दोज कॉलेजेस हु आर वर्किंग एक्सीलेंट वर्क दे विल बी एबल टू provide their own degrees and they will be given full autonomy instead of being a member of any of the universities. So, is tarah ke jo sujhav hai bahut hi acche hain. Then multidisciplinary approach. Earlier, I would like to give a good example. If one teacher who belongs to geography and that teacher has to talk about a river, so that teacher ultimately talked about aspect of river from geographical perspective. But if we are teaching that student about the river, ultimately, why can't we teach that student about physics? We can't teach about chemistry, why environment, and other issues related to that particular river. एक नदी के अंदर, क्या नदी के अंदर हम फिजिक्स की बात नहीं कर सकते हैं? क्या एक नदी के अंदर हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर सकते हैं? क्या एक नदी के अंदर हम एनवायरमेंट की बात नहीं कर सकते हैं? क्या उस नदी के अंदर हम हिस्ट्री की बात नहीं कर सकते हैं? और क्या उस नदी के अंदर हम ज्योग्राफी की बात नहीं कर सकते हैं? लेकिन जो पहले जो इस तरह की जो बात होती थी ना कि एक आदमी ने सिर्फ एक अप्रोच से बात की, बच्चे ने उसी अप्रोच को समझा, उसके बियॉन्ड अगर बच्चे से किसी दूसरे अप्रोच के बारे में बात की तो बच्चे को थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होती थी कि नो दिस वॉज टॉट बाई अवर ज्योग्राफी सर, तो अल्टीमेटली इट पर्टेन्स टू ज्योग्राफी ओनली. देन university in every district or at least nearby, it is very important. Har jile mein ek university ho ya aas paas ki jagah mein university ho, ye bahut hi mahatvapurn cheez hai. Aur jo affiliation ka jo system hoga ye stop ho jayega. Dusra jo mahatvapurn cheez hai jo videshon mein hoti thi, hamare yahan nahi hoti thi, that was academic bank of credits. Academic bank of credit, this system is being followed in most of the foreign countries. The moment a student completed his or her a particular credit, then ultimately that credit will be get deposited into his or her account. After that, if say after taking 2 years break, that student will again come and complete test of the credit, so based upon those credits that student will be given डिग्री. अगर एक बच्चे ने एक बार गया, उसने 2-3 क्रेडिट कंप्लीट किया, 4 क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद वो चला गया, उसके बाद उसने दूसरा क्रेडिट दोबारा आकर 2 साल के गैप के बाद कुछ क्रेडिट और कर लिए, तो बेस्ड अपॉन डिपॉजिटेड ऑफ द क्रेडिट दैट स्टूडेंट विल बी गिवन डिग्री. सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट डिग्री या तो डिग्री डिप्लोमा डिप्लोमा जो भी उसके क्रेडिट है वो उसको दिए जाएंगे. देन व्हेन वी वर जस्ट मेकिंग अवर रिसर्च स्ट्रेंथन or we are just given special emphasis or given important focus towards research, then ultimately MPhil ki zarurat nahi hai. Master degree bacche ne kiya, shuru se uska research mein orientation aapne kar diya, after graduation aapne research mein us bacche ko orientation kar diya, then what is the need of MPhil degree? Ultimately that child could directly go to master's degree, and after master's degree that child could pursue his or her PhD. Then, so such provisions are really, really very important. But with these provisions, we have certain challenges. Rather, I am not saying these are the problems. Rather, I am saying these are the challenges. Ultimately, we need to understand the proper implementation of this policy. Number one, how do we use or how do we implement or how do we execute this system? In my own opinion, we could execute it at 2-3 level. First is our teacher are willing to execute, definitely it could be executed. Our students are ready to execute, it could be executed. Parents are ready to execute, definitely it could be executed. Besides government, सरकार के अतिरिक्त अगर टीचर चाहेगा इसको एग्जीक्यूशन में हेल्प करना, विद्यार्थी चाहेगा इसको एग्जीक्यूशन में हेल्प करना, और पेरेंट्स चाहेगा इसको एग्जीक्यूशन में हेल्प करना, तो देन डेफिनेटली इट कुड बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली. देन वी नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू अवर टीचर्स.
एक appropriate training जो हमारे teachers को चाहिए, जो हमारे stakeholders को चाहिए, उसके लिए हमें थोड़े से extra efforts करने पड़ेंगे. And sometime when we are sharing resources with other institutions, so definitely there is a problem of how to share, what to share, up to what extent we are allowed to enter in that institution or into that system. So इसके बारे में हमें थोड़ा सा कुछ mechanism की जरूरत पड़ेगी. Then technology use and integration of that technology in the system. टेक्नोलॉजी यूज हमारे बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, हमें और प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, हमारे टीचर्स अच्छे से सीख रहे हैं, बट अल्टीमेटली नाउ दिस डेज व्हाट हैपेंस, सम टीचर्स आर फॉलोइंग जूम, सम टीचर्स आर फॉलोइंग गूगल, सम आर यूजिंग अनदर प्लेटफॉर्म. सो अल्टीमेटली वी नीड टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ द स्टूडेंट विच प्लेटफॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट एंड विच प्लेटफॉर्म इज मोर इजी फॉर द स्टूडेंट्स. अगर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा फिक्स करके चलेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा. अभी क्या होता है कि जिसको जो कन्वीनियंट लगता है वही प्लेटफॉर्म यूज कर लेते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट अवर स्टूडेंट आर एबल टू फॉलो दैट प्लेटफॉर्म. देन उस सिस्टम को इंटीग्रेट भी करना है ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन. डेफिनेटली ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट वी नीड टू डेवलप द कंटेंट ऑफ अवर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन. जब आप ऑनलाइन प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसका जो कंटेंट भी होगा वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए ऑनलाइन के लिए. ऐसा नहीं है कि एक लेवल पर बैठ करके एक आदमी लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है. सो मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग, वी नीड टू कन्वर्ट दैट कंटेंट मोर इंटरेस्टिंग और उसको ऑनलाइन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा. जो हमारे टाइम ड्यूरेशन है उसको कम करना पड़ेगा. और उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के हम डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं. सो वी कुड डू इट लाइक दिस, लाइक ग्रुप टास्क, ग्रुप असाइनमेंट और जस्ट मॉनिटरिंग दैट सिस्टम फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव. उनके कुछ हमने ग्रुप साइकिल बना दिए, कुछ ग्रुप्स बना दिए, कुछ स्टडी सर्कल्स बना दिए. सो विद द हेल्प ऑफ दोज स्टडी सर्कल्स और विद द हेल्प ऑफ दोज सिस्टम दे कुड इजिली अडैप्ट. Then local to vocal, definitely we are very much comfortable with this local to vocal, but we need to create study material according to it. क्योंकि local to vocal बहुत अच्छी बात और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक बच्चा जहां पर गन्ना होता है तो उस बच्चे को किसान के बारे में, गन्ने के बारे में, गुड़ के बारे में, चीनी के बारे में, खांड के बारे में पता होना चाहिए. उस बच्चे को चाय की पत्ती के बारे में भले ही ना बताएं, लेकिन उसको गुड़ के बारे में, जहाँ गन्ना होता है तो उससे गन्ना और गन्ने से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बतानी चाहिए. बट डेफिनेटली वी नीड टू क्रिएट सम स्टडी मटेरियल, वी नीड टू रिक्वायर सर्टेन बुक्स विच आर रिलेटेड टू दैट. देन एग्जीक्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इट्स एसेंशियल. But we need to follow the system how to maintain this continuous evaluation. Continuous evaluation में हमें किस चीज पर ज्यादा फोकस देना पड़ेगा ये हमें तय करना पड़ेगा. क्योंकि दूसरा जो हम curriculum की जो बात करते हैं, curriculum we need to develop our curriculum according to the need. According to the need, if we are covering 20-30% of the syllabus through online, then definitely we need to make that provision in our syllabus to which is according to online. अगर online की आप बात कर रहे हैं तो online के लिए pedagogy भी आपकी different होगी, online का syllabus भी आपका different होगा. अगर 25-30% आप online syllabus को cover करना चाह रहे हैं तो आपका जो syllabus है उसके अंदर जो आपका जो कंटेंट्स है वो भी 25-30% बदलाव के साथ ही शामिल होगा, तभी वो बच्चों के लिए इफेक्टिव आप एजुकेशन की बात कर सकते हैं. देन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की तो बहुत अच्छी बात है कि वी नीड टू प्रोवाइड दिस एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड वी नीड टू इंक्लूड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द कम्युनिटी, बट डेफिनेटली वी नीड टू केप some special provision. And specifically if we are just talking from the society's perspective, then definitely we need to give them certain support system. समाज में भी कुछ support system की हमें जरूरत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा का सारा शिक्षा को लागू करना केवल और केवल सरकार का दायित्व नहीं है, ये समाज का भी पार्ट है. तो समाज को इसमें आना पड़ेगा. और इसीलिए why everybody is repeating constantly
that the input from each and every stakeholder is involved in this education policy. जब सभी लोगों का इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सुझाव लिया गया है, सभी के विचार इसमें शामिल किए गए हैं, तो डेफिनेटली इसके एग्जीक्यूशन में हमें सबको मिलकर के आना पड़ेगा और जो जो चैलेंजेस हो गए उन चैलेंजेस को हमें सबको मिलकर के फेस करना पड़ेगा एंड वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशन टू दो चैलेंजेस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन री इमेजिंग वोकेशनल एजुकेशन. डेफिनेटली वोकेशनल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इट्स एसेंशियल बट वी नीड टू take care about that vocational education. Where do students will take practical training? Are we having such number of workshops available with us? If not, then definitely we need to create that provision. We need to tie up with private sectors. We need to tie up with private institutions. कि जहां पर ये आपके vocational system के लिए workshops हों, training के लिए जो चीजें हों, वो सारी की सारी उपलब्ध हों. Then transforming regulation system of higher education. Definitely when we will have our own education, higher institute of education of India, जब हमारा होगा तो सारी की सारी चीजें भी regulation में आएंगी और बाकी जितने भी चीजें हैं, तो it would be a challenge for the entire country to hold the entire education system under one umbrella. So with that we need to create certain other options कि वो हमारा एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा. वो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ हमें और थोड़ी सी एजेंसीज और कुछ और सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी. देन प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्ट एंड कल्चर डेफिनेटली. देखिए इसके अंदर भी लोगों को एक जो रोजगार वाली जो बात है जिसकी हम बात करते हैं सेल्फ डिपेंडेंसी वाली, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एक छोटा सा एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. लिज्जत पापड़ जो था कुछ महिलाओं ने सामूहिक रूप से काम करना शुरू किया था और आज वो इतना बड़ा एक ब्रांड बन गया है. तो इस तरह से जिस एरिया की जो विशेषता है अकॉर्डिंग टू दैट इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू क्रिएट सर्टेन ग्रुप्स एंड इफ दोज ग्रुप्स स्टार्ट वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इट्स नॉट इम्पॉसिबल. वी कुड इजिली अचीव अवर टारगेट. सो विद दिस वर्ड्स I really appreciate the efforts of Kanoria B.Ed. College and Faculty and Federation of Community Radio Station. And I'm really thankful to each of one of you for giving me the opportunity. Thank you very much. Thank you, Dr. Sahib. आपने बहुत ही सहज और बहुत ही सरस्त जानकारी दी और जो वेबिनार्स का सिलसिला आप और हमने जो शुरू करा था और पहले दिन व्हाट्सएप कॉलिंग से जो हम संतुष्ट हुए थे वही आगे बढ़ रहा है. थैंक यू. नहीं नहीं तो सहयोग है, सभी लोगों का सहयोग चलता है. थैंक यू वेरी मच. जी जी धन्यवाद सनवाल जी आपका बहुत बहुत इसमें. और अभी जो भी बच्चे क्यूरीज क्वेश्चंस अपने पूछना चाहते हैं तो वो एक एक करके अपने अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. FDP के मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद सनवाल जी से पार्टिसिपेट्स अगर उनके दिमाग में कुछ क्यूरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या वो अपना स्पीकर जो है वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एनी पार्टिसिपेट्स. इनका कंसेप्ट इतना क्लियर था कि किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चन रहा ही नहीं. सारे क्वेरी क्वेश्चंस जो है डॉक्टर साहब ने बहुत आसानी से और सहज रूप में बताई हैं, इसलिए सब बहुत संतुष्ट हैं, बहुत क्लियर है. जी हेलो. हेलो जी. हेलो हेलो जी बताइए. आई एम डॉक्टर देवेंद्र बड़ियार फ्रॉम कर्नाटका. या डॉक्टर साहब. सर योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू सर. सो दिस वोकेशनल एजुकेशन इज देयर नो.
So there is how we can give this vocational education at the primary level of education. Primary this, levels of education. No, it's clearly mentioned in the policy that vocational education is not from primary stage. We have different stages of this policy. We have foundation stage. After foundation stage, we have other stages like early childhood care and education, that is called as foundation stage of learning. Then after this, the moment the student is to up to ninth standard, student could be able to choose subject according to their choice. Eighth standard, no vocational education is there. After that, student could choose vocational education according to his or her choice. Like still we have several options for them. And earlier, this area was restricted. Like if somebody pursued his or her ITI, if we can say in simple words, ITI, those who pursued ITI, there was no scope for them to pursue their studies after that. But now, students who are interested in taking technical courses, they could opt from ninth standard as vocational course, any course related to their choice and related to their interest. And after completing that course, that student could again go to the mainstream. So multiple entry and multiple exit is this. Any student could reach to that level from any perspective or from any field, and ultimately that student could exit at any stage. Bachcha kisi bhi stage se entry kar sakta hai, uske liye multiple entry options hain, aur bachcha kisi bhi stage se apne aap ko exit kar sakta hai. That option is also available with that particular child. Earlier, everything was segregated, that was compartmentalized. एक बच्चा आईटीआई करता था उसके लिए एक अलग सिस्टम होता था, एक बच्चा जो 10 प्लस 2 करता था उसके लिए एक अलग सिस्टम होता था, एंड सो दैट बैरियर हैज बीन रिमूव्ड. नाउ इट इज लिबर्टी ऑफ द स्टूडेंट व्हिच फील्ड दे वुड लाइक टू गो ऑन और व्हिच फील्ड दे वुड लाइक टू परस्यू. सो वी हैव ऑप्शंस एंड साइमल्टेनियसली first and foremost work is to be done by NCERT. NCERT has to draft curriculum framework, national curriculum framework, and that will be completed by 2021. NCERT is working on it, and certainly when NCERT will come up with NCF 2021, those provisions will also be included in this NCF. So we will get adequate opportunity to choose our subjects, and NCF would be a stepping stone to move further. Thank I you, hope you answered your query. मैं अब आमंत्रित करने चाहूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर मनोज झाझरिया जी को. धन्यवाद सर. जो आज के जो एफडीपी का जो प्रोग्राम है, इनमें कुछ धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको मैं रिवाइज करना चाहूंगी. जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर यतेंद्र पाल सिंह जी, गवर्नमेंट कॉलेज अहमदाबाद, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो मुख्य बातें हैं जिन पे जोर दिया गया, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगी उनको, कि जो ये पॉलिसी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इनका जो सबसे पहले तो ये कि जो MHRD थी उन्होंने इनका नाम चेंज कर दिया है और एक ही बॉडी है जो बना दी गई है. जो यतेंद्र पाल जी ने कहा, जो लैंग्वेज पे जोर दिया गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, जो बच्चा है, जैसे विनोद सोनोवाल जी भी कह रहे थे कि बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास के लिए इस पॉलिसी पे जोर दिया गया है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है इंटेलिजेंस का या कॉग्निटिव का या मॉरल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, तो उनमें जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होता है वो 5 वर्ष तक जो बच्चे का है वो 90% हो जाता है. जो पॉलिसी में भी सिफारिश की गई है कि बच्चे का जो है वो इंटेलिजेंस जो डेवलपमेंट है वो 86 से ऊपर लिया गया है,
इस तथ्य में कोई वो ना हो, इसलिए 86 से ऊपर बता दिया, यानी 86 से 90% तक बच्चे की जो इंटेलिजेंसी होती है उनका डेवलपमेंट हो जाता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें जो क्षेत्रीय भाषा का है वो विशेष योगदान दिया है, और दूसरी इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये दी है कि छात्रों को खुद का मूल्यांकन करेंगे और उनके जो सहपाठी है वो भी मूल्यांकन करेंगे और जो टीचर्स हैं वो भी मूल्यांकन करेंगे, और जो नियुक्ति का है उनका भी एक अलग दायरा जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में जोड़ा गया है। एक स्कॉलरशिप जो है कि कई बच्चे हैं उनको सही तरीके से क्या प्रॉपर मिल रही है या वो कहाँ कहाँ से स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो इनकी जो है ट्रैकिंग जो है वो बराबर चलती रहेगी। डॉक्टर हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सनवाल जी ने कहा कि ये जो पॉलिसी का जो पैटर्न बना है वो 5+3+3+4 का जो ये पैटर्न है इस आधार पर इसको जोड़ा गया है ताकि बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास हो सके, और जो ड्रॉप आउट की जो समस्या है जो सबसे ज्यादा आ रही है उस पर रोक लगेगी। जो ट्रेनिंग का जो है वो 50 घंटे के लिए है वो कंपल्सरी कर दिया गया है, और बाकी जैसे डॉक्टर डीबी सिंह जी कह रहे थे कि डॉक्टर विनोद सनवाल सर ने इतना क्लियर कर दिया है कि मुझे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं आज के जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अरविंद सिंह जी आशिया प्राचार्य विद्या भवन उदयपुर, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कीमती समय निकालकर हमारा जो ये FDP प्रोग्राम का जो टॉपिक था न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन पे अपने जो विचार व्यक्त किए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे, आभार व्यक्त करूंगी। स्पेशल गेस्ट डॉक्टर यतेंद्र पाल सिंह प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अहमदाबाद, आभारी रहूंगी इतने कीमती समय में हमारे बीच आए और अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया, अपना जो नॉलेज है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को दिया। हमारे आज के जो प्रोग्राम के मुख्य वक्ता थे डॉक्टर विनोद कुमार सनवाल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत विस्तार से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में समझाया और इस प्रकार का समझाया कि हमें उसके ऊपर शायद अब कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। डॉक्टर डीपी सिंह जी FCRS यानी फेडरेशन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन न्यू दिल्ली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरी जो संस्था है कनोडिया बीएड कॉलेज जो कनोडिया चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से संचालित है, हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर बाबूश्री कनोडिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सेक्रेटरी भी VK नौलखा जी का जो समय समय पर हमें ऐसे अवसर प्रदान करते हैं, उचित दिशा निर्देश देते हैं। एक बार फिर से सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। मनोज जी राजेंद्र जी को भी थैंक्स नहीं कहेंगे क्या? और राजेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ हर समय जुड़े रहते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है मुझे कोई भी कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, एंड थैंक यू टू कनोडिया चैरिटेबल ट्रस्ट and Professor D.P. Singh sir and that Community Radio Federation, because this was needed. In fact, we are going enter into new education policy and now draft is there, so, but naturally we want to learn something on the prima facie level, and the speakers were very clear about the policy. Thank you to all to invite me and give the chance to listen all of you. Thank you very much. Thank you. सभी का हार्दिक अभिनंदन और आज की मीटिंग के लिए डीपी सिंह सर, डॉक्टर डीपी सिंह जी सर आउट हो गए। थैंक यू मैम। ओके सर, एक बार फिर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ आज के प्रोग्राम में उपस्थित होने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। कल और कल का जो शेड्यूल है वो टाइम टू टाइम डाल दिया जाएगा ग्रुप में, थैंक यू। जो मीटिंग है उससे सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद।